हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बताने वाले हैं कि जो आपका आईक्यू फ़ोन है तो आईक्यू फ़ोन की सर्चिंग सेटिंग पे जाकर जो आपके फ़ोन में फॉन्ट एंड डिस्प्ले साइज सेटिंग्स है तो फॉन्ट एंड डिस्प्ले साइज सेटिंग्स को आप कैसे सेट कर सकते हैं अपने आईक्यू फ़ोन की सर्चिंग सेटिंग पे जाकर। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो फ़ोन के आइकन से आपके फ़ोन में शो हो रहे हैं तो आपको स्वाइप करना है। स्वाइप करके आपको सेटिंग्स पे जाना है। क्लिक करते ही फ़ोन की सेटिंग्स ओपन आ गई। तो जो आपके फ़ोन में फॉन्ट एंड डिस्प्ले साइज सेटिंग है तो फॉन्ट एंड डिस्प्ले साइज सेटिंग्स को आप सेट कैसे कर सकते हैं, सिंपली आपके फ़ोन की सेटिंग्स शो हो रही है तो आपको सर्च करना है। डिस्प्ले साइज सेटिंग तो फॉन्ट एंड डिस्प्ले साइज सेटिंग्स को आप सेट कर सकते हैं। ओपन कर लेंगे तो इसको आप सेट कर पाएंगे। यहाँ से आप फॉन्ट साइज इंक्रीज इंक्रीज कर सकते हैं और उसका यूज़ कर सकते हैं। फिर आता है आपका डिस्प्ले साइज। डिस्प्ले साइज को भी इंक्रीज करके लार्जेस्ट करते हैं, लार्ज कर सकते हैं और सेट करके यूज़ कर पाएंगे। फिर आता है बोल्ड टेक्स्ट। टेक्स्ट को ऑन करते हैं तो जो भी टेक्स्ट हैं आपके बोल्ड हो जाएंगे और इस तरीके से शो करेंगे। फिर उस पर क्लिक करते तो अनबोल्ड हो जाएंगे और इस तरीके से शो करते हैं। फिर आता है हाई कॉन्ट्रास्ट टेक्स्ट। जो भी टेक्स्ट है उसको हाईलाइट कर सकते हैं और उस तरीके से हाईलाइट शो करेंगे। और इसको आप ऑफ करते तो आपके फ़ोन में हाईलाइटिंग शो नहीं करेंगे। जो भी सेटिंग्स है उसको आप रिस्टोर भी कर सकते हैं। यहाँ से रीसेट करते हैं तो रिस्टोर हो जाएगा, पहले जैसे हो जाएगा। तो इस तरीके से आप फॉन्ट एंड डिस्प्ले साइज सेटिंग्स को सेट कर सकते हैं सर्चिंग सेटिंग पे जाकर। साथ में जैसे अगर आपको ऑप्शन नहीं मिलता है तो आप फॉन्ट डिस्प्ले सेटिंग पे जाकर भी को सेट कर पाएंगे। जैसे हम डिस्प्ले सेटिंग्स पे जाते हैं, डिस्प्ले सेटिंग्स ओपन होती है, फॉन्ट एंड डिस्प्ले साइज पे जाएंगे तो यहाँ से आपको सेटिंग्स मिल जाएगी जिसको आप सेट कर सकते हैं अपने तरीके से और यूज़ भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से फॉन्ट एंड डिस्प्ले साइज सेटिंग्स को आप सेट कर सकते हैं आईक्यू फ़ोन में। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। और थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार करें।